वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहाँ पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लग्न राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लग्न राशि क्या है, देखिए जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें आप जब भी हमारा वीडियो देखें। तो ये लग्न आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में, लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है, हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने सम ग्रह गुरु के साथ, और जैसा कि हमने कहा कि गुरु उस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो यह था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति,
आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब जो हम चर्चा करेंगे वो धनु राशि के जो जातक हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में करेंगे, और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय के हालातों के विषय में आपको जानकारी देंगे। आप धनु राशि के जातकों के भाग्य के जो स्वामी हैं वो सूर्य और व्यवसाय के घर के स्वामी बुध की स्थिति कमजोर होने के कारण, जो साथ ही लगन के स्वामी गुरु बृहस्पति का भी अपनी नीच राशि में होना, किसी भी हालत में आपके व्यवसाय को लेकर के ये शुभ संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं। आप स्वयं भी ये चीज़ महसूस करेंगे जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं आपके व्यवसाय के विषय में। पहली बात तो यह है कि अगर आप अपने विभाग में अपने पदोन्नति के विषय में कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या कोई आपको कहीं से कुछ ऐसा बोला जा रहा है, तो आपकी यह सोच सही साबित नहीं हो पाएगी। आपको अपने विभाग में अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। हो सकता है जिस पद के लिए आप पूर्णतया योग्य हों वही पद किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो या तो आपसे जूनियर हो या फिर उतना योग्य ही ना हो उस पद के अनुसार। हमारे कहने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस अवधि में आपको अपनी योग्यता के अनुसार तरक्की के अवसर प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। आने वाले कुछ ही महीनों में परिस्थितियों में बदलाव आपको दिखाई देगा। आप समय का इंतजार कीजिए और अपने सभी कार्य बहुत ही धैर्यपूर्वक करते रहिएगा, और जिस प्रकार की भी परिस्थितियां अभी वर्तमान में बनी हो या बन रही हैं उन्हें बहुत गंभीरता से आप ना लें। ठीक है, यही स्थिति व्यापार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी रहेगी, और उनसे हो सकता है कि जो मान लीजिए अगर आप व्यापार हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि मार्केट में आपसे भी कोई घटिया क्वालिटी बनाने वाला आपको कम्पीट कर रहा हो और आपको पीछे छोड़ दे। मगर यह सब कुछ बहुत थोड़े समय तक के लिए है, लंबी अवधि के लिए नहीं है। तो इसलिए यहाँ आपको मैं यही कहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। महामध्य के उपरांत भी हालातों में मामूली सुधार आपको दिखाई देगा तथा भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। वित्तीय स्थिति, माह के मध्य तक तो आपको धन का आगमन होता रहेगा, मगर उसके पश्चात खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से आपके अपने ही ऊपर धन का व्यय होगा। इस अवधि में आप किसी प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश कर सकते हैं, जमीन जायदाद खरीदने में। आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह मध्यम रहने वाला है। प्रेम संबंध, इस माह की 11 तारीख से और 17 तारीख के बीच बहुत ही थोड़े समय के लिए ये योग बनने जा रहा है, जिसमें आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके जो ये संबंध है ना, ये मित्रता तक सीमित रह पाएंगे आने वाले समय में। इन संबंधों में कोई विशेष प्रगति की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। पारिवारिक संबंध, आपके अपने परिवार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव दोनों प्रकार की स्थिति बनेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध माह के मध्य तक तो थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं, लेकिन माह मध्य से उनमें कुछ सुधार होगा। शिक्षा, छात्रों के लिए यह माह काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है उनकी शिक्षा को लेकर, यानी छात्र लोग अपनी शिक्षा से संबंधित काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे तथा उनकी शिक्षा में भी प्रगति होगी। संतान, आप माता पिता अपनी संतान के द्वारा काफ़ी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति इस माह कर पाएंगे। इस माह आपको अपनी संतान की ओर से काफ़ी संतुष्टि भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक स्वास्थ्य कुछ प्रभावित रह सकता है, लेकिन उसके पश्चात आपका स्वास्थ्य जो है वो सामान्य से ऊपर रहेगा। उपाय, यदि आप चाहते हैं, ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य मजबूत हो और आपको अपने व्यवसाय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो करें आप ये उपाय। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। सूर्यदेव को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात आपने जल अर्पित करना है तांबे के कलश से, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है, और बुधवार के दिन गणेश जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके चढ़ाना है, और पुखराज रतन जो जैम होता है, येलो सेफायर, वो आप धारण कीजिए। शनिवार के दिन संध्या के समय
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें तथा शनि चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ कर लें। घर पे ना करें पाठ शनि चालीसा का, या शनि की कोई भी पूजा अपने घर पर नहीं करें। तो ये था मित्रों, आप धनु राशि के जातकों का महा दिसंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी समय अनुसार आप उनका लाभ उठा सकें और वो आसानी से आपके पास पहुंच सकें। यही हमारी आपसे अनुरोध है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।